डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी ने एक लिस्ट जारी की है जिनमें उन लोगों का नाम है जो पहले से राशन लेते आ रहे हैं, और साथ ही उन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम आया है जो 2021 में राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे। लेकिन पहले से बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका नाम को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, और कुछ ऐसे नए नाम हैं जिनको इस लिस्ट में ऐड नहीं किया गया है। सो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपका नाम इस लिस्ट में आया है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका इस लिस्ट में नाम रहेगा तो ही आपको राशन मिल पाएगा। और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है उन लोगों को क्या करना है वो भी इस वीडियो में आगे बताऊँगा। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर से एक थ्री लाइन आएगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे जो आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। पहला है व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड, दूसरा है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स। आपको दूसरे वाले पे आपको क्लिक कर देनी है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ सेकंड वेट लेगा, आप यहाँ पर वेट कर लेंगे। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है, आपको 5-6 सेकेंड यहाँ पर वेट करनी होगी। फाइनली हमारा यहां पे पेज ओपन होकर चला आया है। अब यहां पे आप सारे स्टेट देख सकते हैं, जितने भी इंडिया का स्टेट है। आप यहां से जो भी आपका स्टेट रहेगा उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आंध्र प्रदेश हो, आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हरियाणा, जो भी हो आपका स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओके करने के लिए बोलेगा, आप इसको ओके कर लेंगे। इसको ओके करने के बाद नया पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप ऑल पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका ज़िला का नाम रहेगा आप इसको नीचे ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से जो भी आपका ज़िला रहेगा उसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप शो पे क्लिक कर लेंगे। आप शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर नया पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन। अगर आप गांव का शहरी है तो आप रूरल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपने ब्लॉक का जो नाम रहेगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर जो पंचायत रहेगा वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना पंचायत पे टिक कर लेंगे। अपना पंचायत पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका गांव का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपके गांव का नाम है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जिन भी लोगों का 2022 में इस लिस्ट में नाम है इन लोगों को इजीली राशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक तरफ से चेक कर सकते हैं, और अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप नीचे कुछ ऑप्शन देख रहे हैं उसको जूम करेंगे थोड़ा, और देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पेज है, जैसे 1 से लेकर 10 तक दिखा रहा है, लेकिन इसमें और है। इसको आप एक एक करके चेक कर लेंगे। और जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो उन लोगों को क्या करना होगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।